दोस्त चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आपको और भी इंटरेस्टिंग की जानकारी वीडियो मिलती रहेगी। दोस्त ये एक प्रोडक्ट मैंने लिया है ऑनलाइन से, तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का रिपेयरिंग काम करते हो तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्त ये देख सकते हो, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है और आप मल्टीमीटर देखोगे कि वहाँ पर एक रोटेटिंग स्विच रहता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी स्विच नहीं। यहाँ पर आप ये सिर्फ उसे ऑन करना है और ऑन करके आप कुछ भी चीज़ में उसे कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसका जो वैल्यू है वो बता देगा। तो दोस्त ये बहुत आसान है यूज करने में और रिपेयरिंग के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ तो ये मीटर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट मैंने लिया है इसे मैं ऑनलाइन से लिया है और इसका फ्यूचर चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे चीज़ कनेक्ट कर लिया है बैटरी लगा के और यहाँ पर तो फ्लॉट भी लगा दिया है। तो यहाँ पर दोस्त आप देख सकते हो तीन जैक है, तो एक है 10 एम्पियर, एक है कॉमन और एक है वोल्ट एम्पियर, सॉरी वोल्ट और ओम्स मेजरमेंट करने के लिए। तो दोस्त चलिए उसे इस प्रोडक्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो तीन स्विच है पैनल कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पर मैंने उसे पावर ऑन कर लिया और जैसे पावर ऑन कर लिया तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ऑटो लिख रहा है। तो यहाँ पर एक दो स्विच जो है इसे एक आप होल्ड रख सकते हो और साथ ही साथ इसका जो बैक लाइट है उसे भी आप एनेबल कर सकते हो। बैक लाइट के साथ साथ यहाँ पर एक टॉर्च भी है, इसे भी आप यूज कर सकते हो। ये काफ़ी छोटा है और काफ़ी हल्का है और ये यूज करने में बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये होल्ड पार्ट का हटा दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिख रहा है। तो यहाँ पर आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी तो दोस्त देखिए यहाँ पर मैंने एक बैटरी लिया और इस बैटरी को अभी मेजरमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको ये ऑन करना है, तो यहाँ पर जो सिलेक्ट का स्विच है इसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका भी कोई काम नहीं। आप सिर्फ उसे ऑन कर दीजिए और ऑन करने के बाद यहाँ पर आप जो भी लगाए, तो यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले में ऑटो लिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने बैटरी जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर देखिए उनका बैटरी का जो वोल्ट है वो यहाँ पर वोल्ट सिंबल में यहाँ पर देख सकते हो वोल्ट का सिंबल आ रहा है और ये बैटरी में कितना वोल्ट है और ये यहाँ पर भी एक सिंबल दिया है वोल्ट का। तो यहाँ पर देख सकते हो बैटरी का वोल्ट मेजरमेंट किया और इसके साथ साथ मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर मैं अगर कंटिन्यूटी मेजरमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगाया तो ये डायरेक्टली बजर के साथ साथ यहाँ पर एक इंडिकेटर भी आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हो मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने जो भी ये कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बैटरी भी कनेक्ट करना मेजरमेंट करना चाहता हूँ, वोल्ट मेजरमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली वोल्ट भी आया। मुझे इस डिवाइस में कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ा। तो दोस्त ये बहुत स्मार्ट मल्टीमीटर है, उसका नाम है सिग्मा SG24S Smart। तो ये मैंने ऑनलाइन से लिया है और इसका बहुत सारा फीचर है और इसे अगर आप ऑफ नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा कुछ ही सेकंड के बाद, कुछ ही देर के बाद जब आप यूज नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये काफ़ी स्मार्ट मल्टीमीटर है, इसे अगर आप काम करते हो तो इसमें काम करने का बहुत आसान हो जाएगा। तो ज़रूर आप इसे मंगाइए और इसे काम करके देखिए आपका काम का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो दोस्त ये मैंने ये मशीन में मैंने लगाया है, चलिए मैं मीटर को थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत छोटा है और इसका साइज़ भी बहुत छोटा है, बहुत हल्का है, इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर दो पेन लाइट बैटरी भी लगता है, ये बैटरी आप आराम से लगा सकते हो। एक दो बैटरी लगाने से ये 1.5 महीना तक चला जाता है। तो दोस्त ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आप टॉर्च भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर तो दोस्त ये कमाल का स्मार्ट मल्टीमीटर है, तो इसे आप जरूर परचेस करके आप उसका फ्यूचर देख सकते हो। तो दोस्त बस वीडियो में इतना, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।